नमस्कार मित्रों, मैं सुनील कुमार प्रजापति ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आने वाले भविष्य में उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा होने वाली है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये आपको वीडियो पहुंचा रहा हूं। आज भी हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पर ही बात करेंगे और आज वीडियो का ये पार्ट टू है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में आप बहुत पहले भी जानते होंगे, ये एक संबंध होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। बहुत ही फेमस ये समीकरण है, ये सूत्र है। इसी एक सूत्र को तीन तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें तीन चीजें ही इन्वॉल्व हो रही हैं, चाल, दूरी और समय। इनको अलग अलग लिख सकते हैं। चाल अगर निकालना हो तो दूरी बटा समय, अगर दूरी निकालना हो तो चाल गुणे समय, अगर समय निकालना हो तो दूरी बटा चाल। ये तीन चीजें इसमें दी हैं, तीनों वेरिएबल हैं। तीन में से दो का अगर वैल्यू दिया है तो तीसरा प्राप्त किया जा सकता है। अब इसमें तीन स्थितियां भी पैदा होती हैं। जैसे पहली स्थिति है कि जब दूरी नियत हो, यानी एक ही एक समान दूरी को अलग अलग चाल से जब चला जाएगा तो अलग अलग समय भी लगेगा। तो अलग अलग चाल से चला जाएगा, दूरी सेम है तो चाल जब बढ़ेगी और दूरी सेम है तो टाइम उसका घटेगा। यहां पर चाल अगर बढ़ेगी, देखिए चाल अगर बढ़ेगी, ये चाल है, चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा, समय यहां पर कम लगेगा अगर दूरी समान है। दूसरी स्थिति में जब समय नियत हो, टाइम सेम कर दिया गया कि दो घंटे में चलना है, तो दो घंटे में अगर चलना है तो जिसकी चाल ज्यादा होगी उस दो घंटे में ज्यादा दूरी तय करेगा। तो चाल ज्यादा तो दूरी ज्यादा अगर समय नियत है, तो यहां पर चाल और दूरी दोनों बढ़ेंगी और दोनों घटेंगी। चाल कम रहेगी तो दूरी कम तय होगी। जैसे एक आदमी, उसकी चाल ज्यादा है तो एक किलोमीटर की दूरी वो 10 मिनट में तय कर लेता है, जिसकी चाल कम है उसी एक किलोमीटर की दूरी वो 15 मिनट में तय करेगा। तो जो धीरे चलेगा वो ज्यादा टाइम लेगा, जो तेज चलेगा वो कम समय लेगा। तो समय अगर फिक्स कर दिया जाए तो दूरी चाल के अनुक्रमानुपाती हो जाती है, यानी चाल बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगी, दूरी घटेगी तो चाल भी घटेगी। तीसरी स्थिति, जब चाल नियत हो, ये स्थिति कब आएगा? जब एक ट्रेन एक ही सेम स्पीड से एक खंभे को पार करे और एक पुल को पार करे, तो वहां दोनों की चाल, ट्रेन की चाल सेम है और वहां पर ट्रेन जब किसी व्यक्ति को पार करेगी या खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, और जब वो किसी प्लेटफार्म या पुल या सुरंग को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म, पुल या सुरंग की लंबाई के योग को पार करती है। तो जब चाल नियत रहेगी, चाल कांस्टेंट रहेगी, तब दूरी और समय में भी अनुक्रमान, दूरी जो है समय के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी जितना अधिक समय लगेगा उतना ही दूरी वो ज्यादा चलेगी। हम लोग फिलहाल इस वीडियो में भी इसी पर अभी बात कर रहे हैं कि जब दूरी नियत हो, जब दूरी नियत हो तो इसी पर सबसे ज्यादा प्रश्न भी आते हैं। जब दूरी नियत हो तो चाल समय के व्युत क्रमानुपाती, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति जब पैदा होती है तब क्या होता है, तो इस चीज को हम लोग देखिए, अगर स्पीड किसी वस्तु की S1 है और दूसरी वस्तु की S2 है तो ये टाइम में T2 अपान T1 का संबंध होता है। ये एक सिंपल सा फार्मूला है। दूरी सेम है तो चाल का जो अनुपात है समय के उल्टा हो जाता है, यानी T2 अपान T1 हो जाता है। आइए इस पर आधारित कुछ आज और नए और अच्छे प्रश्न देखते हैं और उनको समझते हैं कि उन प्रश्नों को कैसे समझेंगे कि इसमें दूरी नियत है, और कैसे उन प्रश्नों को बहुत जल्दी से इस सूत्र का इस्तेमाल करके जल्दी से हम लोग उसका हल प्राप्त कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर एक है। अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में
लिया जाने वाला सामान्य समय क्या है, यानी जब वो उसकी जो सामान्य चाल थी उससे जब वो कार्यालय पहुंचता था तो जो उसका टाइम लगता था, अब वो क्या कर रहा है कि उस सामान्य चाल की, जिस चाल से वो रोज जाता था, उस चाल का 3/4 चाल से चला तो 20 मिनट देरी से पहुंचा। इसका अर्थ है कि चाल घट गई तो टाइम पहुंचने का बढ़ गया। अब इस चीज को हम लोग, मैं आपको बेसिक तरीके से भी बताता हूं और इसमें जो ये कंसेप्ट यूज होगा कि जब दूरी कांस्टेंट हो तो टाइम और चाल में क्या संबंध होता है उसका भी यूज करेंगे। यहां पहले हम लोग एक बात समझते हैं कि मान लीजिए कि उस व्यक्ति का ये घर है और ये कार्यालय है, इसकी दूरी डी है और उसकी चाल एक्स है। ये पूरी दूरी डी है और चाल एक्स है, तो ये उसकी सामान्य चाल है और ये दूरी है। तो जब इस चाल से चलेगा तो इस कार्यालय पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो डी अपान एक्स होगा, यानी दूरी बटा चाल, ये समय लगेगा। अब कह रहा है कि जो वो अपनी चाल, जो उसकी सामान्य चाल थी उसका 3/4 चाल से चल रहा है, यानी जो नई उसकी चाल है वो एक्स की 3/4 है, यानी 3x/4 अब उसकी नई चाल है। इस चाल से जब वो चलेगा तो 20 मिनट, इस टाइम से 20 मिनट ज्यादा टाइम ले रहा है। इसका मतलब कि इस चाल से इसी दूरी को तय करने में 20 मिनट ज्यादा लगा, तो हम क्या करेंगे कि दूरी वही है, देखिए ये दूरी d है, अब इस चाल से वो चल रहा है यानी 3x/4 इस चाल से चला तो ये टाइम आ गया, दूरी बटा चाल ये टाइम आ गया। इस टाइम में से ये जो उसका टाइम था पहुंचने का d/x, इसको घटा देंगे तो अंतर कितना आएगा 20 मिनट का, और 20 मिनट को अगर हम घंटा में बदल लें तो इसमें 60 से भाग दे देंगे। अब देखिए ये समीकरण बन गया एक, अब 4 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4d/3x-d/x=20/60। यहां से अगर हम d कॉमन ले लें, देखिए अगर हम d कॉमन ले लें तो यहां क्या बचेगा, अंदर बचेगा 4/3x-1/x=20/60। ये x नीचे रहेगा यहां पर। अब देखिए इनका जो एलसीएम होगा वो 3x ही होगा, तो ये हो जाएगा 3x एलसीएम हो जाएगा, तो ये 4x-3x/3x, नहीं ये 4 होगा, x नहीं रहेगा ऊपर, 4-3x/20/60। अब यहां पर देखिए ये जो अंतर आया ये देखिए ये घट जाएगा, d/3x बचेगा और ये 20/60 बचा। अब इस 3 से इसको काट देंगे तो 20 और 20 20 कट गया तो ये क्या आ गया, 1 आ गया, 20 से 20 कट गया, और यहां पर d/x आया, d/x=1 घंटा आया, और 1 घंटा को 60 मिनट लिखते हैं। तो यहां पर देखिए d/x क्या था, उसका सामान्य समय था जो हम लोग पहले ही बात कर लिए, और यहां d/x आपका 1 घंटा यानी 60 मिनट आ गया, तो उसका घर से कार्यालय पहुंचने का जो टाइम है वो 60 मिनट है, यानी बी वाला आंसर सही है। ये तो इस तरह से लगा कि जो 20 मिनट उसका एक्स्ट्रा हो रहा था और जो सामान्य समय था, दोनों का अंतर 20
20 मिनट है, इन दोनों को, इन दोनों टाइम का अंतर 20 मिनट है। अब इस समीकरण को हम लोगों ने हल किया तो सामान्य समय 60 मिनट आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम आपको एक शॉर्टकट मेथड से बताते हैं जो कि तुरंत आ जाएगा। शॉर्टकट में क्या समझना है कि जो ये S1 है और S2 है, ये T2 अपान T1 के बराबर होता है। ये कब होता है? जब दूरी कांस्टेंट हो। तो यहां घर से और उसकी कार्यालय की दूरी कांस्टेंट है। तो ये जो 3/4 है, यहीं पर ध्यान देना है, 3/4, ये 4 जो है सामान्य चाल है और 3 घटी हुई चाल है। तो S1 अपान S2 जो है, S1 अपान S2 ये वास्तव में 3/4 है। तो इसको पहुंचने में जो टाइम लगा, अब देखिए यहां पर जो टाइम यूज होगा वो 4/3 हो जाएगा। ये टाइम का रेशियो है, ये समय का रेशियो है। समय का रेशियो स्पीड के यानी चाल के रेशियो के उल्टा होगा। देखिए अगर इसकी चाल 3 है तो टाइम 4 लगेगा, यानी समय ज्यादा लगेगा। इसकी स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। अब यहां पर देखिए इन दोनों समय में 1 का अंतर है और ये 1 जो है 20 मिनट के बराबर है, क्योंकि दे रहा है। देखिए जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मान लीजिए चल रहा है तो उसको 4 घंटा लगा, और जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो उसे 3 घंटा लगा। तो 1 घंटा जो अधिक लग रहा है वो किस कारण से लग रहा है? क्योंकि उसकी चाल पहले से घट गई है, घटने के कारण उसका टाइम बढ़ जा रहा है। तो जो टाइम का अंतर है इन दोनों के बीच का, जो टाइम का अंतर है, यहां 1 आ रहा है और 1 20 मिनट के बराबर है। तो 4 देखिए 20 चौके 80 मिनट के बराबर होगा, और 3 इसमें 20 का गुणा कर देंगे तो 60 मिनट के बराबर। तो ये जो 4 है उसकी सामान्य चाल है, तो सामान्य चाल से जब वो चला तो उसे 60 मिनट लगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए ये कितने सरल ढंग से हम लोग बहुत जल्दी से इस चीज तक पहुंच गए कि जो ये 3/4 है वो वास्तव में 4 उसकी सामान्य चाल है और 3 उसकी घटी हुई चाल है। तो S1 अपान S2 को ही हम लोग 3/4 लिख लिए, और इसका जो टाइम का रेशियो होगा ये इसका उल्टा होगा, इसी का उल्टा होगा, यानी 4/3 ये समय का रेशियो है और इनका अंतर 1 आ रहा है और 1 20 मिनट के बराबर है। 20 को 4 के साथ गुणा किए तो 80 मिनट, और 3 के साथ गुणा किए तो 60 मिनट। 3 के साथ क्यों गुणा किए? क्योंकि सामान्य चाल उसकी 4 है, जब वो 4 सामान्य चाल से चल रहा है तो उसे 60 मिनट लगा, या 60 मिनट उसका सामान्य समय है पहुंचने का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग बेसिक वाला पार्ट नहीं करेंगे, अब इसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, इसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, और अच्छे क्वेश्चंस को इसी ट्रिक्स पर हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस केवल अंक बदले हैं। मैं इसलिए इस क्वेश्चन को लिया हूं कि आप थोड़ा और सहज हो जाए। तो अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से, देखिए यहां पर 2/3, पिछले क्वेश्चन में 3/4 चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। 3 घंटा देरी से क्यों पहुंची? क्योंकि उसकी चाल पहले 3 थी, ये बाद में 2 हो गई। आपको बस यही चीज समझना। सामान्य गति से ये यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा? तो देखिए मैं आपको एक और सरल चीज यहां बता देता हूं। यहां पर हम लोग अगर चाल लिख लें और यहां पर समय लिख लें, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है कि जल्दी से आप बेहतर ढंग से समझ जाए। तो पहले उसकी चाल, पहले यानी सामान्य चाल उसकी क्या थी? 3 थी, और बाद में उसकी चाल क्या हो गई? घट गई, वो कितनी हो गई? 2। ये जो 3/2 दिया है ना, तो 3 इसमें उसकी पहले चाल है और बाद में 2 घटी हुई चाल है। या इसमें अगर देता कि चाल से ज्यादा गुना, मतलब सामान्य चाल से तेज चल रहा है, तो वहां पर ये वाला हर से अंश बड़ा हो जाता, तब हम लोग पहले वाला और बाद वाला भी इसी हिसाब से लिख लेते हैं।
अब देखिए पहले चाल उसकी 3 है, बाद में उसकी चाल 2 है, ये चाल का रेशियो आ गया पहले और बाद का, तो टाइम यहां पर क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी टाइम यहां पर 2 और 3 हो जाएगा। यानी अब देखिए जब दूरी कांस्टेंट हो तो चाल जिसकी ज्यादा रहेगी कम समय लगेगा, तो यहां पर अगर चाल 3 है तो समय 2 है, यहां पर चाल 2 है तो समय 3 है। अब अगर ट्रेन चाल अपनी घटाती नहीं तो वो तो अपने सामान्य समय पर पहुंच जाती, इसका जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है 3 घंटे जो ये देरी लग रही है वो किस कारण से लग रही है, उसकी चाल घट गई। तो मैंने आपसे बताया था कि चाल जब घटेगी तो टाइम बढ़ेगा, दूरी जब कांस्टेंट रहती है। तो अब यहां पर देखिए इन दोनों टाइम का जो अंतर है वो कितना है, 1 का अंतर है, और 1 दिया है कि 1 3 घंटे के इक्वलेंट है, 1 3 घंटे के इक्वलेंट है, तो 2 कितना होगा, 2 6 घंटे के इक्वलेंट होगा, और ये 3 9 घंटे के इक्वलेंट होगा। तो पूछ रहा है अपने सामान्य चाल से चलती तो कितने टाइम में यात्रा पूरी कर लेती, तो उसकी सामान्य चाल 3 है, अगर इस चाल से चलती तो उसका कितना टाइम लगता, यानी 6 घंटा टाइम लगता, तो 6 घंटा इसका आंसर हो गया। अब मुझे विश्वास है कि आपको इस क्वेश्चन के बाद ज्यादा सहजता महसूस हो रही होगी कि अब आप क्वेश्चन को जल्दी से कर लेंगे। आइए एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर की गति से तय करती है तथा 8 मिनट देर से स्कूल पहुंचती है, ये बिंदु आपको ध्यान रखना। अगले दिन यह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तथा समय से 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाती है, गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी क्या है। यहां पर एक चीज हम लोगों को समझनी होगी, ये क्यों समझने के लिए, मान लीजिए उसका सही टाइम पहुंचने का ये है टी, तो जब उसकी चाल कम है तो वो 8 मिनट देर से पहुंचती है, यानी प्लस 8 मिनट देर से पहुंचती है, और जब उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो आप जान ही नहीं, स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम घट जाएगा, जब स्पीड बढ़ जाती है तो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाती है, यानी 10 मिनट पहले ही, ये टाइम से 8 मिनट बाद और 10 मिनट पहले वो पहुंच जाती है जब स्पीड उसकी बढ़ जाती है। तो जब स्पीड उसकी कम थी और जब स्पीड उसकी बढ़ गई तो दोनों के टाइम में क्या अंतर है, तो देखिए जब उसकी स्पीड कम थी तो ये 10^8 यानी 18 मिनट का दोनों के बीच का अंतर है, दोनों टाइम के बीच में अगर उसकी 12 किलोमीटर गति से जाएगी तो वो जो समय लगा और 20 किलोमीटर के गति से जाने में जो समय लगा, उन दोनों समय में 18 मिनट का अंतर है, क्योंकि ये तो 10 मिनट पहले पहुंच जाती है और वो 8 मिनट बाद पहुंचती है, तो दोनों के बीच में 18 मिनट का अंतर है, ये चीज आप समझना। अब आपको क्या हम लोग लिख रहे हैं, देखिए यहां पर चाल लिख रहे हैं और यहां पर समय लिख रहे हैं, तो पहले उसकी चाल क्या थी, पहले उसकी चाल है 12, बाद में उसकी चाल कितनी है, बाद में 20 है, तो टाइम इसी का उल्टा, अब ये 20 हो जाएगा ये 12, अब इसे रेशियो में बदलना है, तो रेशियो में बदलना है तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो 4 5 20 और 4 3 12, ये 3 5 के रेशियो में हो गया, 3 5 के रेशियो में। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये टाइम इस चाल से चला तो वो 5 टाइम ले रही है, इस टाइम से चला इस चाल से चलने पर 3 टाइम ले रही है, तो इन दोनों समय के बीच में 2 घंटे का या 2 का अंतर आ रहा है, ये 2 का अंतर किसके इक्वलेंट है, 18 मिनट के, ये 2 का अंतर 18 मिनट के इक्वलेंट है, तो 1 9 मिनट के इक्वलेंट है, 1 जब 9 मिनट के इक्वलेंट है तो 5 45 मिनट के इक्वलेंट और 3 से गुणा हो जाएगा तो ये 27 मिनट के इक्वलेंट। अब आपको दूरी पूछ रहा है तो पहले वाले से चाहे बाद वाले से किसी से भी दूरी हम लोग निकाल सकते हैं, मान लीजिए पहले वाली चाल तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, तो चाल पहले 12 है
और समय देखिए ये 45 मिनट है, तो इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, 45 बटा 60 ये घंटा बदल गया। देखिए ये 12 पच्चीस 60 और 5 नवा 45 तो ये 9 किलोमीटर आ गया। तो घर से गांव से स्कूल की दूरी कितनी हो गई, 9 किलोमीटर। तो इसका ये आंसर हो गया। हम लोगों ने सिर्फ एक टेबल बनाया और इस बात को समझा कि कैसे उन दोनों के बीच में 18 मिनट का अंतर है, उसी चीज का यूज करके हम लोग जल्दी से क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच गए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आधार पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये माइल स्टोन है, मतलब इसी का कंसेप्ट सब जगह यूज भी होता है। यह है कि किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% की कमी करने हेतु एक कार चालक को कार की चाल में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। किसी दूरी को, दूरी फिक्स कर लिया, दूरी जब फिक्स हो गई, दूरी नियत हो गई, इस चीज को मैं बेसिक तरीके से आपको समझाता हूं, फिर इसका एक शॉर्टकट बहुत ही आसान है। तो मान लीजिए कि ये चाल है और ये समय है, इन दोनों का गुणनफल से दूरी मिलता है, दूरी मिलती है, चाल गुणे समय दूरी मिलती है। तो मान लीजिए कि चाल 100 है और समय भी 100 है, तब दूरी कितनी तय होगी, 100 गुणे 100, ये हमने मान लिया। अब क्या हुआ, अब पूछ रहा है कि चाल कितना बढ़ाना होगा। तो पहले चाल तो x थी, हम कहें x प्रतिशत बढ़ाना होगा, यानी चाल अब x 100 प्लस x हो जाएगी, अब नई चाल x प्रतिशत हमने बढ़ा दिया तो नई चाल ये होगी। और देखिए समय 20% कम हुआ है, तो पहले समय 100 था, अब 20 कम हो गया, तो अब समय कितना हो गया, 80 हो गया। अब इनका गुणनफल 100 प्लस x गुणे 80, ये भी क्या होगा, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि दूरी वही है, तो यहां जब टाइम घटा है तब ये चाल बढ़ना ही है। अब इन दोनों को हम लोग बराबर कर दें, इन दोनों को बराबर कर दें, तो देखिए 100 प्लस एक्स गुणे 80 बराबर 100 गुणे 100, 100 गुणे 100। अब इस चीज को हल करना है। अब हल करने के लिए देखिए ये 80x होगा और 80 का इसमें गुणा करेंगे तो 8000 हो जाएगा और इधर 10000, तो 10000 में से 8000 माइनस कर देंगे तो इधर बच जाएगा 2000 और इधर बचा 80x, तो x बराबर क्या होगा, 2000 बटा 80, एक जीरो से काट दिए और 25 वाटे 200 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 25%। तो चाल को 25% बढ़ाना होगा, ये तो बेसिक तरीका था जो आपको मैंने बताया। अब देखिए इसे एक लाइन में कैसे करेंगे, देखिए यहां पर दिया है कि चाल समय में 20% की कटौती हुई, तो ये 20% को 20 बटा 100 लिखेंगे, यानी 1/5 लिखेंगे। अब यहां पर देखिए 5 का 20% 1 है, तो किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में इतना कमी हो गई तो चाल को बढ़ाना होगा, यानी ये जो वैल्यू है ना इसको बड़ा करना है। तो बड़ा कब करेंगे, जब इसका हर छोटा होगा, तो इसका हर छोटा होगा, इसका हर जितना अंश है ना उस अंश को इसमें से घटा दीजिए, तो ये 1/4 हो गया। अब देखिए 1/5 से 1/4 की वैल्यू बड़ी है, अब ये बड़ी हो गई, अब ये बड़ी हो गई तो इसको भिन्न में बदल लेना है, तो 100 से गुणा कर लेते हैं, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो देखिए ये 25% आ गया, यही आपका आंसर था। अगर समय इससे घट रहा है, 1/5 से घट रहा है, तो चाल इससे बड़ी होगी, बड़ी होगी तो कितनी बड़ी होगी, इसको इसमें से घटा देंगे यानी 1/4 हो जाएगा और 1/4 जो भिन्न है इसको प्रतिशत में बदल लेंगे तो 25% हो जाएगा, तो चाल को 25% बढ़ाना होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है,
है निश्चित दूरी भी और एक कार एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि इस चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए, जो उसकी निश्चित चाल थी उसमें 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो यही दूरी वो 7.5 घंटे में तय की जाती है। तो यह दूरी कितनी है? तो देखिए पहले हम लोग अब यहां पर पहले समय लिखेंगे और बाद में चाल लिख रहे हैं। तो पहले समय क्या है? पहले समय 8 घंटा है। 8 घंटा वो तब है जब उसकी चाल में वृद्धि नहीं की गई है। अब बाद में वो टाइम कितना लग रहा है? 15/2, यानी पहले 8 घंटा लगा जब उसकी चाल कम थी। जब चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी गई तो 7.5 घंटा यानी आधा घंटा कम लगा। अब देखिए समय का उल्टा चाल हो जाएगी, तो चाल पहले वाली क्या थी 15/2, बाद वाली क्या हो जाएगी 8। अब देखिए चाल का अनुपात आ गया तो ये 2 को हर से हटाना है, तो हर से हटाने के लिए 2 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 2 का इसमें यहां भी गुणा करना पड़ेगा। तो अब नई चाल जो है 15 और यहां पर ये 16 आ गई। अब 15 और 16 का यहां पर रेशियो आ गया। ये जो चाल है पहले वाली चाल 15 है और बाद वाली चाल 16 है, तो यहां पर चाल का अंतर कितना आ रहा है? 1। और ये 1 कितना दिया है? 4 किलोमीटर के बराबर, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर चाल का अंतर 1 है और क्वेश्चन में चाल जो बढ़ी है वो 4 के बराबर बढ़ी है, तो 1 4 के बराबर है तो 15 × 4 यानी ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और यहां पर ये 16×64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले वाली चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद वाली चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप किसी से दूरी निकाल सकते हैं, अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और समय 8 घंटा लगा है तो दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल है 60 और टाइम है 8 घंटा, तो 8×48 यानी 480 किलोमीटर की दूरी है वो निश्चित है, जो कि यहां पर हम लोगों ने निकाल लिया है। यहां तक यह है पहले समय लिखे हैं बाद में चाल, ताकि हम लोग ये सारी चीजें एक तरफ कर सकें, और कोई बात नहीं। यहां पर जो समय का रेशियो था उसी का उल्टा चाल हो जाता है, चाल का उल्टा समय हो जाता है। इस चीज का हम लोग इस्तेमाल किए जब दूरी कांस्टेंट थी। अगले वीडियो के पार्ट में वो वाला पोर्शन हम लोग देखेंगे जब टाइम कांस्टेंट होगा, फिर हम लोग और वीडियो बनाएंगे जिसमें चाल को कांस्टेंट करेंगे और दूरी और समय के बीच में संबंध स्थापित करके उन पर आधारित क्वेश्चनों को करेंगे। तो मित्रों मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपके जरूर मददगार साबित होगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।